bills out on Collins. I be. What's up guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. Welcome back to the channel and also welcome back to a brand new video. आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली कोई व्लॉग नहीं है. आज का ये वीडियो जो है हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं. तो जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट करी है उनका नाम है रंजन मलिक और उन्होंने ये पूछा है कि हाउ टू मेक अ डिसेंट बॉडी एट होम. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारा ये जो सेटअप है ये नया क्यों है. ये आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई कैमरा तो है मेरे पास तो कैमरा से मैं शूट क्यों नहीं कर रहा बजाय इस वेबकैम के. रीज़न बेसिकली ये है कि आज मेरे कैमरा का जो माइक मैं यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल माइक वो काम उतने अच्छे से नहीं कर रहा है. तो दैट्स वाई मैं आज थोड़ा सा ये यूज़ कर रहा हूँ अपना पीसी वाला सेटअप और मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा. तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है वो है सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट के बेसिस पर. सो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच रंजन भाई. और अगर आप लोगों के मन में भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो आप चाहते हैं तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके अभी अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं और हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं. और देखिए दोस्तों, जब भी हम एक डिसेंट फिजिक की बात करते हैं, मन में जब हम एक डिसेंट फिजिक वर्ड यूज करते हैं, वो डिसेंट फिजिक की जो इमेज है वो हर इंसान की अलग होती है. हो सकता है मेरे दिमाग में जो डिसेंट फिजिक की डेफिनेशन है वो कुछ और होगी, आपके दिमाग में जो डिसेंट फिजिक की डेफिनेशन है वो कुछ और होगी. लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो डिसेंट बॉडी समझता हूँ वो कैसे आप घर में अचीव कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. मेरे हिसाब से एक डिसेंट फिजिक कौन सी होती है? मेरे हिसाब से एक डिसेंट फिजिक ऐसी होती है जो कि ज़्यादा मस्कुलर ना हो, मतलब ओवर बिल्ट ना हो, ठीक है, लीन मसल मास हो, थोड़ी बहुत एथलेटिक हो कि भाई कल को अगर आप कुछ खेलना चाहे, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, क्रिकेट, दोस्तों के साथ कहीं भी आप जा रहे हैं एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो आप उस एडवेंचर का मज़ा ले सकें और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकें. एग्जांपल ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो बॉडी जल्दी थके ना, तो वहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं कि डिसेंटली आपका फिजिक भी बिल्ड है और डिसेंटली आप फिट भी हो. तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट फिजिक ऐसी होती है. चलिए अब बात करते हैं कि इस डिसेंट फिजिक को आप घर पे अचीव कैसे कर सकते हो. अब जब इसके बारे में दोस्तों आप लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको सब जगह मिल जाएगा कि ये वर्कआउट कर लो और आपकी डिसेंट फिजिक बन जाएगी. ऐसा 10 मिनट का वर्कआउट कर लो, 12 का कर लो, 15 मिनट का कर लो और आपकी डिसेंट फिजिक बन जाएगी. देखो एक्सरसाइज का दोस्तों आपको हर कोई बता देगा, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए कि अगर आप कोई भी गोल लेके चल रहे हैं मन में, चाहे वो मसल बिल्डिंग का हो, नॉर्मल फिटनेस का हो, या फिर वेट लॉस का हो, बॉडी बिल्डिंग का हो, हमेशा हमेशा तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. और वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? नंबर वन, जिसके बारे में हर कोई बात करता है वो है एक्सरसाइज. नंबर टू, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो है आपका डाइट. तीसरा, जिसके बारे में कोई गौर ही नहीं फरमाता और फोकस करने के लिए भी नहीं कहता, ये है आपका स्लीप, जब आपकी रिकवरी होती है. तो थोड़ा सा इन तीनों पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि आपने कैसे कैसे इन चीज़ों को लाइक फॉलो अप करना है, कैसे इसके अंदर काम करना है सो दैट आप एक डिसेंट फिजिक अचीव कर पाएं. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में. अब क्योंकि दोस्तों आप लोग घर में एक्सरसाइज करने वाले हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले बॉडी वेट ट्रेनिंग से अपनी एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी को शुरू करें. उस बॉडी वेट एक्सरसाइज में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप बेसिकली 5 प्राइमरी मूवमेंट जो हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं, जो कि है सबसे नंबर 1 पे बेंड एंड लिफ्ट, जिसमें आप स्क्वाट कर सकते हैं, डेड लिफ्ट कर सकते हैं. दूसरा आता है आपका सिंगल लेग मूवमेंट, जिसमें आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, रिवर्स लंजेस कर सकते हैं, साइड लंजेस कर सकते हैं, ये हो गया आपकी दूसरी. तीसरा आपकी पुश मूवमेंट, पुश मूवमेंट में आप क्या कर सकते हैं? आप पुशअप्स कर सकते हैं. चौथा आता है आपका पुल मूवमेंट, जिसमें आप पुलअप्स करने की कोशिश कर सकते हैं. और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप वर्टिकल पुशअप्स करिए, बिल्कुल ऊपर अपने आप को लाइक ऊपर खींचे ना, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर खींचे अपने आप को, ऐसा नहीं. आप क्या कर सकते हैं, आप पार्क में जो पैरेलल बार डिप्स होते हैं उसमें आप स्लांट होके डायगनली स्टांस बनाकर अपने आप को देन वर्टिकली ऊपर खींच सकते हैं
मैं यहाँ पर फोटो डाल दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन से एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। काफ़ी ईजी होता है शुरुआत के लिए, धीरे धीरे जब आप इसमें मास्टर हो जाएं, तब आप जो पुलअप बार होता है उसमें आप वर्टिकल पुलअप्स कर सकते हैं। और अगर आपको पुलअप्स करने में शुरुआत में प्रॉब्लम हो तो आप चिन अप्स कर सकते हैं, जिसमें आप अंडर हैंड ग्रिप या फिर सुपिनेटेड ग्रिप जो है उसका इस्तेमाल करके पुलअप्स को कर सकते हैं। और पांचवी मूवमेंट आती है आपकी रोटेशन, जिसमें आप वुड चॉप, हे बेलर जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों बेसिकली स्टेप नंबर वन एक्सरसाइज में। अब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे आपको ये एक्सरसाइज आसान लगने लगती है, तब आपने जाना है स्टेप नंबर टू में। स्टेप नंबर टू में आपने क्या करना है, करनी आपने यही मूवमेंट है, यही पांच मूवमेंट करनी है, लेकिन क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा लोड डालना है इसमें, हम इसमें थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऐड करेंगे। एग्जाम्पल डंबल्स, बारबेल्स, और इनकी मदद से आपने करनी है कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स या फिर मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स, जिसमें एक ही समय में आप मल्टीपल मसल ग्रुप्स, मल्टीपल जॉइंट्स आपके काम करते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो गई, पहली हो गई स्क्वाट, दूसरी हो गई आपकी बेंच प्रेस, तीसरी हो गई आपकी मिलिट्री प्रेस, चौथी हो गई आपकी डेडलिफ्ट, पांचवी हो गई पुलअप। तो इसी तरह की जो कंपाउंड मूवमेंट्स हैं उस पर आप ध्यान दें। तो ये जो सारा पोर्शन हो गया, ये बेसिकली हो गया आपका एक्सरसाइज का पोर्शन। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है डाइट, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे हर कोई ध्यान देता है, जिसमें आते हैं आपके कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन जब बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे कोई ध्यान ही नहीं देता, जिसमें आते हैं आपके विटामिंस एंड मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको दिन भर में आप कुछ भी खाओ, जो हमारे बेसिकली घर में बनता है, उन सब में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी हैं। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या, जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि कार्ब्स में क्या खाएं, प्रोटीन में क्या खाएं, फैट में क्या खाएं, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पर उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग एक सैंपल फुल डे डाइट देखना चाहते हैं, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक करी हुई है, उसको भी आप चेकआउट करके ये देख सकते हैं कि एक हेल्दी फिटनेस वाले इंसान की दिन भर की डाइट कैसी दिखती है। उसको आप देखकर कुछ उससे हिंट लेके, कुछ उससे आइडिया लेके अपनी खुद की डाइट कस्टमाइज कर सकते हैं। जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आप अच्छे से ध्यान दे देते हैं, तो कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ना भूलें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मेक श्योर आपकी डाइट में एक विटामिन सप्लीमेंट ज़रूर होना चाहिए, जिसमें हम मल्टीविटामिन एज अ सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है स्लीप, यानी कि रिकवरी। आपने दिन भर में मेहनत करी, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप कुछ ना कुछ अपने बॉडी को स्ट्रेस देकर वहां पहुंच रहे हैं। आप वहां जाके क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिन भर में ये जितना भी आप काम करते हैं, और इसके बाद अगर आके आप एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी बॉडी पे एक्सटर्नल स्ट्रेस दे रहे हैं, और तो वहां पर क्या होगा, मसल्स आपकी ब्रेक होंगी। और ये मसल्स रिकवर कब होंगी, जब आप रात में जाके सोओगे। अब अगर आप सोओगे ही नहीं, तो ये मसल्स रिकवर कैसे होंगी और कब होंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जब मसल्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं रात में जब हम सोते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से दिन भर के स्ट्रेस, थकान, मसल्स टूटे हुए, वो रात में दोबारा से रीबिल्ड होना शुरू होते हैं। तो बॉडी का जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है वो रात में शुरू होता है। रात में कब शुरू होता है, जब आप सो जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आपने जिम कर लिया, जिम के बाद आपने प्रोटीन पी लिया, तो उस प्रोटीन से आपके मसल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ना बाबा ना। उसी दिन जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, तब से वो रिकवरी का प्रोसेस शुरू होगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करें। दैट इज़ वाई मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन, सो दैट जब मेरी वीडियो आपके पास तक पहुँचे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो ठीक नहीं हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।
तो आपको ये समझना चाहिए कि कहाँ इन्फॉर्मेशन आपको सही मिल रही है। एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से कि एक डिसेंट बॉडी घर पे बनाने के लिए या चाहे घर के बाहर भी बनाने के लिए आप जिम भी जाते हैं, दिस इज़ द मेन थिंग। इन तीन पॉइंट्स के अलावा आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर वन इज योर एक्सरसाइज, नंबर टू इज योर डाइट, एंड नंबर थ्री इज योर स्लीप या फिर रिकवरी। इन तीनों पॉइंट पे अगर आप फोकस कर लेते हैं, बहुत आसानी से आपके मन में जो डिसेंट फिजिक का डेफिनेशन है वो आपको ईजिली मिल सकता है। हाँ, बात जब आती है कि आपको डाइट में लाइक कितना पोर्शन ऑफ कार्ब्स, कितना पोर्शन ऑफ प्रोटीन, कितना पोर्शन ऑफ फैट खाना चाहिए, तब वहाँ पे पर्सन टू पर्सन रिजल्ट वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एक दिन में मैक्रोस कितनी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी ज़रूरी वीडियोस के लिंक्स जो होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मेक श्योर आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करना कि एक दिन में कितना ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट आपको खाना चाहिए, एग्जाम्पल फुल डे डाइट और कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट के सोर्सेस का वीडियो जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस होना चाहते हैं तो। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि ये जो नए सेटअप में मैंने वीडियो बनाया है क्या आपको ये पसंद आया या नहीं आया। अगर पसंद आया तो क्या फ्यूचर में आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहेंगे जहां पर मैं वेबकैम के सामने बैठकर अपने इस कंप्यूटर वाले माइक से आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन दे सकूं। कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ सो दैट वी कैन रीच मोर टू मोर पीपल एंड प्रोवाइड देम विद द राइट सेट ऑफ नॉलेज एंड राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नॉटियल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज़।